जेन बॉड्रिला, जेन बॉड्रिला, ठीक है, फ्रेंच थियोरिस्ट है, ठीक है. एंड ही से दैट द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन टू इट इज नॉट रियल, इट इज मेरली द इमिटेशन ऑफ द रियलिटी. हिज वर्क सिम्यूलेक्रा एंड सिम्यूलेशन, बोथ ऑफ दीज आर द टर्म्स एज वेल, पब्लिश इन द 1981. सिम्यूलेक्रा मीन्स द कॉपी, कॉपी ऑफ वट, कॉपी ऑफ वट, विच हैज नथिंग टू डू विद द रियलिटी. सिमुलेशन आपका सबसे पहला स्टेज होता है. सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन आप एक मॉडल क्रिएट करते हो किसी रियल ऑब्जेक्ट पे, ठीक है. आप एक रियल, फॉर एग्जांपल हार्ट का एक मॉडल बनता है जहां पे आपको बताया जाता है कि ब्लड फ्लो कैसे करता है, ब्लड पंप कैसे करता है, आपको बताने के लिए. पर क्या हो कि आप इस हार्ट को जो मॉडल बना है, जो साइंस के स्टूडेंट को बताने के लिए बनाया, उसे ही आप रियल समझ बैठो. दैट्स व्हाट हैपन इन सिमुलेक्रा, ठीक है. कोई चीज है, किसी चीज को आपको क्या किया, मीडिया ने फैलाना शुरू किया टीवी पे, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है. दैट इज अ सिमुलेशन प्रोसेस, वो इमिटेशन का प्रोसेस हो रहा है, दैट इज अ सिमुलेशन. पर क्या हो कि जो नॉलेज जो दी जा रही है, आप उसे ही असलियत मानने लगो कि यही सच है, और रियलिटी के बीच को आप देखो भी मत. एक रियलिटी है, उसकी फोटो ली जाती है, और आपके पास जो अब फोटो है, आप बोलते हो कि यही रियल है, ये रियल नहीं है, ठीक है. दैट इज द सिमुलेक्रा. और ये चीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ना एक फोटो ली जाती है, फोन पे आपकी फोटो ली गई और बढ़िया फोटोशॉप किया गया, सारे पिंपल्स हटाए गए, आप अपनी रियलिटी चूज करते हो सिमुलेक्रा में. यू से आई विल चूज माय रियलिटी. विल यू चूज द पर्सन हु इज आउटसाइड द पिक्चर विच इज यू, डार्क कलर, नॉट सिल्की हेयर्स, राइट, एंड हेयर, यू हैव सच अ ब्यूटिफुल फेस इन दिस पिक्चर एंड यू विल अपलोड इट ऑन इंस्टाग्राम. यू चूज योर रियलिटी, दिस इज नॉट रियल. It becomes a hyper-reality. For a person, it is quite hard to make the distinction between you and the picture. You and the picture. Which one is real? Even though the picture is not real, you have pimples, you do not look this good. Right? वो simulacra है. आप अपनी कॉपी को असलियत मानने रखते हो कि ये हूं मैं. मैं तो इतना गोरा चिट्टा हूं, मेरे तो लंबे लंबे बाल है, सिल्की बाल है, मैं तो ऐसा दिखता हूं. See world, this is how I am. And you accept the copy as your reality. वो है simulacra. और simulation क्या है? वो process है जो कि आप हो, आपका photo लिया गया है, आपकी reality. But आप उस copy को ही अपनी reality मानने लगे हो. That is a simulacra. ठीक है. तो simulation क्या है? Imitate करता है reality को. Imitate करता है किसको? Reality को. और simulacra में आप इस imitation को ही reality मानने लगते हो. हाइपर रियलिटी एक नेक्स्ट स्टेज है. हाइपर रियलिटी क्या है? एक नेक्स्ट स्टेज है. हाइपर रियलिटी में क्या होता है? यू आर अनेबल टू मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन द रियलिटी एंड द अनरियलिटी. इट ब्लर्स द बाउंड्री. हाइपर रियलिटी, कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड इमेजेस और कंटेंट, योर डिज्नीलैंड, ठीक है. वहां पे क्या है? यू सिट इनसाइड दीज ट्रेन्स एंड देयर आर VR ऑन योर आईज. You are seeing the dragons. Dragons are flying over you. They are throwing the fire on you. वो सारी चीजें हो रही हैं. आप उसे real समझने लगते हो. Because this is very real experience that you are having through VR, virtual reality. हम उस तरह के world में रह रहे हैं जहाँ पे हम copy को reality मान चुके हैं. And that's what Jane Baudrillard said. And on it he made a satire through his work called the Gulf War did not take place. Gulf War नहीं हुआ. Gulf War did not take place 1991. Why he said that? Because the way it happened, it was not covered by media that way. Gulf War happened with the 39 militaries of the countries attacked on Iraq, right? Because Iraq attacked on the Kuwait, ठीक है? Iraq को $14 billion का debt था, उनपे देना पड़ना था. दूसरा, कुवैत ने अपने क्या किया, oil की production ज़्यादा बढ़ा दी, उसको कम नहीं कर रहा है, ठीक है? और price कम कर दिया. अब Iraq के ऊपर pressure पड़ गया, वो बोल रहा है कि उसका price कम कर, वो कर नहीं रहे हैं. उसने क्या किया? Attack कर दिया.
ठीक है, अब कंट्रीज आ गई आपका जो है, एंड इट वॉज कंडेम्ड, दिस एक्शन वॉज कंडेम्ड इंटरनेशनली, आपका यूके आया, ठीक है, आपका अमेरिका आया, दे डिप्लॉयड देयर ट्रूप्स इन सऊदी अरेबिया, उन्होंने अटैक करना शुरू किया, और बाकी कंट्रीज को भी बोला हमारे साथ आओ, ठीक है, आपका इजिप्ट आया, 39 कंट्रीज एंड दे अटैक्ड ऑन देम। फिर क्या किया अमेरिका ने, अपना जो मीडिया है CNN, उन्होंने कवरेज की, दे शोड अ फ्यू कैजुअलिटीज, बम दिखा रहे ऊपर से गिर रहे हैं नीचे, ठीक है, उसे वीडियो गेम भी कहा गया था। तो CNN ने, CNN जो आपका अमेरिका का जो मीडिया कंपनी है, उसने उसका कवरेज किया था, कि बोला कि ऐसे तो हुआ ही नहीं है, कि गल्फ वॉर डिड नॉट टेक प्लेस, हुआ ही नहीं है, ठीक है, दैट्स हाउ ही शोड इट। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अनदर टर्म ही हैज गिवन इज द साइन वैल्यू, के साइन की वैल्यू है, आप आज जो ब्रांड डाल रहे हो ना, उसकी वैल्यू है, आपकी वैल्यू नहीं है, द साइन यू हैव दैट गिव्स यू द वैल्यू, द कार यू ड्राइव दैट गिव्स यू द वैल्यू, आप कौन सी कार ड्राइव करते हो, मारुति सुजुकी करते हो, किया करते हो, फॉर्चुनर करते हो, BMW करते हो, आप कौन सी करते हो, वो आपको वैल्यू देता है, वो साइन आपको वैल्यू देता है, दैट्स वट ही सेज इन द साइन वैल्यू। सोशल स्टेटस स्पीक लाउडर देन द एक्चुअल पर्सन, एंड हाउ द सोशल स्टेटस इज बींग क्रिएटेड थ्रू साइंस, द ब्रांड्स दैट यू वियर, द वे यू शो योर सेल्फ ऑन इंस्टाग्राम, फोटोशॉप की फोटो करके, ठीक है।